लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हुआ टाइम्स नाउ का बड़ा सर्वे, जाने कौन से राज्य में किसको मिल रही है सबसे अधिक सीटें, कौन की हो रही है जीत। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल पर, मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज किसी हम बात करने जा रहे हैं टाइम्स नाउ के सर्वे के बारे में, जो कि पूरे देश में हुआ है और देश में कौन कौन सी पार्टियाँ जीत रही है, और क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ इसको प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों बना समय आए शुरू करते हैं आज का विषय, जान लेते हैं टाइम्स नाउ VMR सर्वे की रिपोर्ट को। दोस्तों आपको बता दें टाइम्स नाउ और VMR की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। मध्य प्रदेश में CM कमलनाथ ने लोकसभा में कांग्रेस को फायदा दिलाने के लिए अपने पद का उपयोग करते हुए कई चुनावी योजनाएं शुरू की है, लुभावनी योजनाएं भी की थी, परंतु सर्वे रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का जादू नहीं चलेगा। 2014 में शिवराज सिंह चौहान ने 29 में से 27 सीटें दिलवाई थी, परंतु 2019 में कमलनाथ अब 29 में से सिर्फ 7 सीटें ही दिलवा पाएंगे, जिसमें से दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांतिलाल भूरिया की जीत कमलनाथ की कृपा से नहीं होगी। अतः कमलनाथ सिर्फ 3 सीटों को ही बढ़त दिलवा पाएंगे। छिंदवाड़ा की जो तो गणना करना ही नहीं चाहिए, आइए देखते हैं सर्वे रिपोर्ट देश में क्या क्या हालात बता रही है। दर्शकों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में टाइम्स नाउ VMR सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में BJP सर्वे के अनुसार 2014 वाला करिश्मा दोहराते नजर नहीं आ रही है। 2014 में प्रदेश में BJP का 43.3% वोट शेयर था और सहयोगियों के साथ मिलकर BJP ने 73 सीटें जीती थी। इस बार BJP प्लस को 42 सीटें से ही संतोष करना पड़ सकता है। महागठबंधन के खाते में 36 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि टाइम्स नाउ और VMR के सर्वे के अनुसार बताया। आइए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दिल्ली, MP, राजस्थान के टाइम्स नाउ VMR सर्वे के बारे में। तो BJP और NDA को सत्ता वापसी दिलाने में बड़ी भूमिका सर्वे के अनुसार। हिंदी पट्टी के राज्यों में BJP का जलवा कायम रहेगा। दिल्ली में भी 7 सीटों पर BJP का परचम लहराएगा। मध्य प्रदेश के 29 में से 22 सीटों पर BJP को जीत मिलने की अनुमान जताया जा रहा है। वहीं राजस्थान में भी BJP को 25 में से 20 सीटें जीत 20 सीटों में से जीत में हासिल हो सकती है। आइए बात करते हैं वेस्ट बंगाल का टाइम्स नाउ का VMR सर्वे के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में अपनी बड़ी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगी BJP के लिए बड़ी खुशखबरी है। सर्वे के आंकड़े अगर हकीकत में बदले तो BJP को प्रदेश में 32% वोट शेयर होंगे और 11 सीटें मिल सकती हैं। प्रदेश में कांग्रेस को लेफ्ट का खाता भी नहीं खोलेगी। 2014 में BJP को प्रदेश में 16.8% वोट शेयर और 2 सीटों पर जीत मिली थी। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में टाइम्स नाउ VMR सर्वे रिपोर्ट में बिहार में जो 2014 में एक तरफा मोदी लहर चल रही थी, बिहार में BJP को 51.5% वोट और 23 सीटें मिली थी। 2019 में NDA का वोट शेयर 48.40 रहने का अनुमान जताया गया है और NDA को 27 सीटें मिल सकती है। UPA को इन चुनाव में 42.40% वोट शेयर और 13 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। आई बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना टाइम्स नाउ VMR सर्वे रिपोर्ट में दक्षिण के राज्यों में धमर दिखाने की हर संभव कोशिशें कर रही है BJP को इस चुनाव में झटका लग सकता है। टाइम्स नाउ और VMR के सर्वे के मुताबिक BJP का वोट शेयर तो बढ़ रहा है लेकिन सीटों पर फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। 2014 में BJP को प्रदेश में 14.4% वोट और 1 सीट मिली थी। इस चुनाव में 17.60% वोट मिलने के साथ 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में TRS का दबदबा रहेगा। TRS को प्रदेश में की 17 में से 12 सीटें पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में टाइम्स नाउ VMR का सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में VMR कांग्रेस को YSR कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 22 सीटों तक पर जीत तक पहुंच सकता है। NDA से अलग होने और एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा नुकसान TDP को सर्वे में होता दिख रहा है। नायडू की पार्टी पिछले चुनाव में 15 सीटों की जीत से
फिसल कर 3 सीटों पर सीमित हो सकती है। दर्शकों ये एक सर्वे है, सर्वे के बारे में हमने आपको बताया जो कि द टाइम्स नाउ का और VMR का एक संयुक्त सर्वे किया गया था, उसमें हमने आपको बताया विभिन्न राज्यों के बारे में, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पार्टियों की क्या क्या पोजीशन है। तो अब इस प्रकार के सर्वे आपके लाते रहेंगे दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो एक सर्वे के विषय में थी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।